हेलो गाइस, हाय, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसे बनाएं। एक प्यारी सी और सुंदर सी ड्रेस बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये लिया है बुकरम टैट्रॉन, जिसको बोलते हैं, और ये लिया है पीले कलर का कपड़ा, डबल है ये, और ये काट लिया है मैंने। इसको मैं दिखाती हूँ मैंने कितने इंच का काटा है। देखिए गाइस, ये यहाँ से यहाँ 8 इंच है और इसकी पूरी गोलाई इसी तरह से 8 ही इंच है। इधर भी 8 इंच है और इधर भी आप देख सकते हैं कि ये 8 इंच है। देखिए गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये भी 8 इंच है। तो ये पूरी गोलाई 8 इंच की है और ये मैंने ले लिया है। और इसका ही देखिए, मैंने कपड़ा जो है थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, ये देख सकते हैं आपने, एक्स्ट्रा काटा हुआ है, ठीक है, इसे थोड़ा थोड़ा सा। और ये मैंने एक ले लिया लैस, ये वाली लैस ली है मैंने, मेरे पास बहुत सारी पड़ी थी। इस लैस से बनाएंगे हम आज ठाकुर जी के कपड़े, बहुत सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे लड्डू जी की। ये जो है इसका ये पीस काटा है मैंने लैस का, अब इसको हमें फोल्ड करना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए गाइस, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। सॉरी गाइस, अभी मैं दिखाती हूँ आपको बना करके। ये देखिए गाइस, इसका हम इस तरह से बना देंगे वी सा। अब पहले मैं इस कपड़े को इसके ऊपर लगाऊंगी, और कैसे मैं कपड़ा लगाऊंगी ये भी बताऊंगी। फिर ये वी बना बना करके हमें ऐसे इस तरीके से यहाँ पे अटैच करनी है सिलाई के साथ ही सारे में। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला कपड़ा कैसे अटैच करना है। ये देखिए, मैंने बहुत सारी लैस काट भी रखी है। चलिए आपको मैं अटैच करके दिखाती हूँ कि ये कैसे अटैच करना है। देखिए गाइस, आ गए हम मशीन के पास। ये मशीन, मैंने इसमें धागा भी लगा लिया पीले कलर का, और ये रहा मेरा लड्डू जी के ड्रेस का। अभी क्या करेंगे हम, टैट्रॉन के ऊपर ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे इस वाली लाइन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस वाली लाइन पे सिलाई कर लेंगे। मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए गाइस, देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है। यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये सिलाई मैंने कर चुकी हूँ इधर से। फिर इसकी कटिंग कैसे करनी है मैं बताती हूँ। जैसे ये है, इसको हम ले लेंगे इस तरह से, बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे। आप देखो, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसको इधर से भी बिल्कुल बढ़िया करके, बिल्कुल बराबर करके हम ऐसे करके ये फोल्ड कर लेंगे। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ से हम गोलाई कट करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कैसे। देखिए गाइस, हम इधर से ले लेंगे, 1 इंच पे निशान लगा लेंगे ये, और 1 ही इंच पे निशान लगा लेंगे हम यहाँ पर, और 1 ही इंच का निशान हम यहाँ से बीच से इसको देंगे। अब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। देखिए, ये जो लग गया है निशान, अभी हम इसको कट करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, ये मैंने काट लिया है, ये हिस्सा कट गया है, ये देख सकते हैं आप, ये कट गया है इसका हिस्सा गोल। अब हम एक तरफ से यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये वाला हिस्सा हम इसका काट लेते हैं यहाँ से, ये मैंने कट कर दिया है। अब आप देखिए, ये जो मैंने डबल करा था, ये डबल कपड़ा किस लिए करा था, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये जो है सारा, इसमें हम कट्स के निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम कट्स के निशान लगाते हुए जाएंगे, पास पास लगाएंगे बहुत सारे कट्स के निशान, क्योंकि हमें सीधा करके दोनों तरफ से कपड़ा करना है इसकी। अभी मैं बताती हूँ आपको कि कैसे मैं निशान लगा लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने लगा लिए हैं कट, आप देख लीजिए, यहाँ सारे में कट लगा लिए हैं मैंने। अब हम इसके जो ये डबल है कपड़ा, हम इसको सीधा कर देंगे इधर की तरफ, सारी तरफ से करेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको सीधा करते हुए जाएंगे। ये देखिए गाइस, ये मैंने सीधा कर लिया है सारा कपड़ा। अब देखो, ये बहुत अच्छे से सीधा हो गया है। अब हम यहाँ पे ये जो है कट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इस पर हम लगा लेंगे दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई। सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये लग गई है यहाँ पे सिलाई। इधर भी सिलाई लगा ली मैंने, इधर भी सिलाई लगा ली, और यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। ठीक है, ये मैंने कर लिया है अटैच। अब हम इस पर कैसे रख के ड्रेस को सिलते हैं मैं ये दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, मैंने ये ले लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और देखिए गाइस, इसको यहाँ पे रख के इस तरह से हम, सॉरी, इस तरह से हम यहाँ पे रख के इसको अटैच करेंगे। और मैं अटैच कैसे करती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ एक दो बना करके, ठीक है। देखिए गाइस, ये मैंने इस तरह से लगा लिए हैं सारे तिकोने बना बना करके, पूरे में अटैच कर दिए हैं। अब देखिए, मैंने एक ही सिलाई लगाई है यहाँ पर। अब हम ना यहाँ से एक पैर की सिलाई, सेकेंड सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने लगा लिया यहाँ पे डबल सिलाइयाँ। इसमें इतनी क्लियर होकर दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं बता दूं, एक सिलाई मैंने यहाँ पे लगाई है और दूसरी सिलाई मैंने यहाँ इसके पास एक पैर की सिलाई दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है, ये जो है ये बचा हुआ, इसको हम कट कर देंगे। सफाई आई जो हमारी ड्रेस में, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ठीक है, मैं इसे कट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने काट लिया है ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा। अब हम फिर से बनाएंगे तिकोने, और फिर उनको ये जो बीच में है इनके बीच में बना बना के लगाते हुए जाएंगे। मैं दिखाती हूँ कि कैसे लगा करके एक दो। देखिए गाइस, मैंने ये दूसरी वाली लेयर भी बना करके तैयार कर ली है, ये भी लगा ली है। ये इसी तरह से तिकोने तिकोने करके लगाते रहने हैं। मैं पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी इसको, और फिर मैं, देखिए गाइस, ये बनकर कंप्लीट हो गया है मेरा लड्डू जी की जो ड्रेस थी। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैंने ओरे भी पट्टी काटी है, तिरछी पट्टी जो हम काटते हैं वो मैंने काटी है। देखिए, ओरे भी पट्टी काटी है, और ओरे भी पट्टी को हम उल्टी साइड से यहाँ पे लगाएंगे। पहले तो हम ये जो इसके कॉर्नर है इनको सेव कर लेंगे कपड़ा लगा करके। लैस भी लगा सकते हैं आप लोग, कपड़ा भी लगा सकते हैं। मैं पीला ही कपड़ा लगाऊंगी इधर से, जो किनारी इस तरह से दिखाई ना दे। पहले उस कपड़े को फिट कर लेंगे। यहाँ सीधी पट्टियाँ लगनी है, और यहाँ ओरे भी पट्टी हम पीछे से लगाएंगे, और फिर आगे की तरफ हम फोल्ड करेंगे, और यहाँ डालेंगे एक डोरी जो कि हम लड्डू को बांधें आराम से। चलिए, मैं करके दिखाती हूँ।
देखिए गाइस, मैंने ये पट्टियाँ जोड़ दी हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब ये इस तरह से जब पहनेंगे लड्डू जी तो ये ऐसे आ जाएगी पीछे, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर जो लगाऊंगी मैं बताती हूँ आपको, इधर से रखेंगे हम इसको। आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ से हम इसको, ये जो कपड़ा है इसको हम यहाँ से यहाँ रख के जोड़ना शुरू करेंगे पीछे से। मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए गाइस, ये मैंने उल्टी साइड में जोड़ लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें ना गोल गोल जो ये है इसमें यहाँ से जो मैंने ये सिलाई करी है, आपको आई थिंक दिखाई दे रहा हो, मैं दिखाती हूँ आपको सही से। ये जो मैंने सिलाई करी है यहाँ पे, यहाँ मैं कर लूँगी कहीं कहीं कट लगा लूँगी, जो ये इजीली आगे की तरफ घुमा के इसको हम पलट लें, इधर को हम पलट के फिर इसको इधर से हम सिलेंगे। और इसमें डालेंगे एक रस्सी जो मैंने बनाई है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको कहाँ गई। देखिए गाइस, रस्सी बता रही थी मैं, डोर बनाई है मैंने, ये डोरी जो इसमें हम डालेंगे। और कैसे डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसको हम कट करके फिर इसको यहाँ से हम सिलाई लगा के नेफा टाइप बना लेंगे। जो सिलाई करते हैं उनको पता होगा और जो नहीं करते हैं उनको मैं सिल के दिखाती हूँ कि कैसे। देखिए गाइस, मैंने बना लिया है नेफा, इसको इस तरह से ओरी भी पट्टी में जो है झोल नहीं आता है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने इसमें डोर डाल दी है, तो जब लड्डू जी पहनेंगे फिर हम पीछे की तरफ ये डोर से उनको बांधेंगे, जो कि कुछ परेशानी ना हो, ये दोनों डोर हैं, ठीक है। अब मैं ये जो है मैंने ये लैस जो है आगे का ऊपर उनका ऊपर का जो ड्रेस होती है वो बनाएंगे इससे। और मैं इसको बना के दिखाती हूँ, इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं पहले, फिर मैं बताऊँगी कि ये लगेगा कैसे। देखिए गाइस, इसको मैंने इस तरह से यहाँ से सिल लिया है, इतना इतना ये मैंने सिल चुकी हूँ इसको नीचे से। देखिए गाइस, ये मैंने इतना सिल लिया है इतना यहाँ से। अब हम इसको ये जो ड्रेस है इसको नीचे की साइड रख के ऐसे, देखिए गाइस इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा के इस तरह से सिल देंगे। जो मशीन से अटैच ना कर पाए इसको, वो सुई से सुई धागे से भी अटैच कर सकता है, लेकिन मैं मशीन से ही कर लूँगी। और मैं अटैच करके दिखाती हूँ और ये बन जाएगी हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड्डू जी की ड्रेस, जो वो पहनेंगे राखी वाले दिन उनके लिए, इसलिए मैं बना करके ले जा रही हूँ। चलिए गाइस, मैं ये अटैच करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये अटैच कर दिया यहाँ और हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है लड्डू गोपाल की। अगर ये ड्रेस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखते रहिए मेरी वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।